गाइस वी आर स्टार्टिंग योर टॉपिक और इसको स्टार्ट करने से पहले जी आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि इस टॉपिक को आप जो है वो ऐसे मान के ना चले कि हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें इसे पढ़ना है। पर आप इसको कैसे मान के चलेंगे कि ये जो चीज़ है ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप जो है वो कॉस्ट से डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेट सपोज आप सब ने आपके फ्रेंड्स ने मिलके आप लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोचा है, तो उस ऑर्गेनाइज करने से पहले आप क्या करेंगे कि आप ये डिसाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हमारा कितना कितना खर्चा होने वाला है, हमारा कितना कितना खर्चा होने वाला है। Yes or no, आप वो चीज जो है वो क्या करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमाउंट योर फ्रेंड्स कि तेरा पोर्शन इतना है, तेरा पोर्शन इतना है। तो मतलब कॉस्ट निकालना तो आप लोगों ने भी सीखा है। अगर आप किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अगर आप बजट के बाहर जा रही है, बजट किसके बाहर जा रही हो, बजट मतलब कि आप सब फ्रेंड्स जो है वो मिलके, लेट सपोज आपके पास 5000 रुपीज है और आप कोई पार्टी 5000 रुपीज में करना चाहते हैं, तो आप जो अब खर्चा आप लोगों ने पहले प्लान करा कि यार ये भी करेंगे, यार ये भी करेंगे, यार वो भी करेंगे, तो इन सबको कर कुराने के बाद आपने देखा कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, एंड देन यू सी कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो आ रही है 8000 रुपीज। कितनी? 8000, पर आपका बजट कितना है 5000 रुपीज का। तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आप कॉस्ट कटिंग करेंगे कि यहाँ से ये इसकी जरूरत नहीं है ये हटा दो, यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है ये हटा दो, एंड यू विल ब्रिंग योर बजट टू वॉट, टू 5000 रुपीज। ये सुनो, ये सब हमने बचपन में करा है, हम सब ने करा है। 10-10 रुपीज कॉन्ट्री करके सर का बर्थडे सर के लिए केक लेके जाएंगे, फ्रेंड का बर्थडे फ्रेंड के लिए केक लेके जाएंगे, ये हम सब ने करा है बचपन में। तो वो कैसे आप करते थे, सबसे पहले आप एंटायर कॉस्ट देखते थे अपनी और उसके बाद आप उसको डिवाइड करते थे। तो कॉस्ट तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हर जगह ही है, ठीक है। बस यहाँ पे हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट रूप ही पढ़ रहे हैं हम उसको, हम ठीक है, उसको एक सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया है। और जब सब्जेक्ट से कुछ आती है ना कुछ चीज ऐसी, तो हम घबरा जाते हैं, हल्ला इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या, इतने सारे टॉपिक्स हैं क्या इसमें, ये कैसे कवर होगा हमसे, तो ये सारी बातें हम लोग सोचने लग जाते हैं। पर अगर हम इसको बिल्कुल ईज माइंड से पढ़ते हुए चले कि ये चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं, तो आई एम टेलिंग यू ये जो टॉपिक है ये आपको इतना अच्छा लगने वाला है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। क्लियर है ये? तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि क्या हमें इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हुए चलना है। दूसरा क्या, दूसरा आप खुद को बिजनेसमैन मान के चलोगे, दूसरा आप खुद को बिजनेसमैन मान, अबे नहीं कॉस्ट कमानी चाहिए यहाँ पे, यहाँ से इस कॉस्ट को ऐसे मैनेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हुए चलूंगा ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से याद हो जाए, याद भी नहीं आपके जहन में बैठ जाए वो चीजें, ठीक है, आपके जहन में बैठ जाए वो चीजें। हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो देखिए हमने कहा यहाँ पे कॉस्ट, आपको मैं धीरे 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 करके सारी चीजों से रूबरू कराएंगे, कॉस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सारी चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्या हमने कहा, कॉस्ट को हम दो तरीके की कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट जो है वो दो तरीके की हो सकती है। सर कौन से दो तरीके की? एक हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? सर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? एक ऐसी कॉस्ट जिसका संबंध, जिसका रिलेशन सीधे से सीधे किससे है, आपके मटेरियल से या फिर आपकी सर्विस से, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है, जो खर्चा आपने उस मेन प्रोडक्ट के लिए करा है वो क्या होने वाली है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होने वाली है। या फिर मैं कहूँ आपसे, एक खर्चा जिसका सीधा संबंध किससे है, आपके मटेरियल से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। सर हमें समझ में नहीं आया, आप तो हमें एग्जाम्पल से बताइए। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, पेन मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? मार्कर मैन्युफैक्चर करती है आपकी कंपनी। आपकी कंपनी जो है वो मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके जी, अगर आप ये मार्कर बनाओगे तो मुझे मटेरियल खरीदना है। अगर मैं नहीं बना रहा तो क्या मुझे मटेरियल खरीदने के लिए कोई फोर्स कर सकता है? बताइए आप मुझे नहीं। इसका मतलब अगर मुझे ये मार्कर बनाना है तो इसके लिए मुझे ये जो प्लास्टिक बॉडी है, ये प्लास्टिक जो है वो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब जो मैं मेरे लिए तो क्या है, मटेरियल है ना। What is that plastic is
दैट प्लास्टिक इज रॉ मटेरियल फॉर मी, मेरे लिए क्या है वो रॉ मटेरियल, क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रॉ मटेरियल पहले मार्केट से खरीदूंगा, फिर वो रॉ मटेरियल आएगा, उसको मेल्ट करूंगा, उसको मॉल्ड वगैरह में डालूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेबर वगैरह करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये प्लास्टिक जो है ये मुझे किसके लिए खरीदनी पड़ी, ये तो मुझे इसको बनाने के लिए ही खरीदनी पड़ी है। तो ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट संबंध किससे है, मटेरियल से है, उसको हम क्या बोलते हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। लेबर आएगी, क्यों आ रही है, इसको बनाने के लिए आ रही है लेबर, अगर ये बनाना ही नहीं होता तो लेबर आती क्या, लेबर आती ही नहीं। तो ऐसे खर्चे जिसका संबंध किससे है जी, डायरेक्ट आपके किससे है, डायरेक्ट आपके इस मटेरियल से है, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक ऐसी कॉस्ट जिसका संबंध आपके मटेरियल से नहीं है, जिसका संबंध आपके मटेरियल से नहीं है, वो नॉर्मल बिजनेस में होने वाले खर्चे हैं, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसे कैसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ तो आप एग्जांपल दो। चलिए बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है क्या, ये है आपकी फैक्ट्री, ये क्या है आपकी, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसकी, ये मार्कर बनाते हैं आप, ठीक है। तो हो सकता है ये जो फैक्ट्री हो ये आपने किस पे ले रखी हो, रेंट पे ले रखी हो, किस पे ले रखी हो जी, रेंट पे ले रखी हो, ठीक है। तो इसका आप क्या पे करते होंगे, रेंट पे करते होंगे, क्या रेंट आपके लिए खर्चा है, क्या कॉस्ट है क्या, हाँ जी लागत है मेरी, मुझे रेंट पे करना पड़ता है, यस और नो। इस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता होगा, इस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता होगा, क्या वो भी आपकी कॉस्ट है, जी हाँ सर बिल्कुल हमारी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, समझ में आ रही चीजें। अब बता देखिए, यहां पर आपके पास आया मटेरियल, मटेरियल क्यों आया, क्योंकि आपको ये मार्कर बनाना है, ठीक है। यहां पर आपके पास लेबर आई है, लेबर आएगी तो लेबर को हम लोग वेजेस पे करेंगे, तो लेबर को हम वेजेस पे कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें ये मटेरियल बनाना था। पर क्या मैं रेंट क्यों पे कर रहा हूं, व्हाई आई एम पेइंग द रेंट, क्या मटेरियल उसका संबंध क्या मार्कर से है क्या, है ना, रेंट पे होगा तो ही मार्कर बन पाएगा, अरे ऐसा है क्या जी, यस और नो, क्या वो कॉस्ट जो है उसका इससे कोई संबंध है क्या, मार्कर से, इस रेंट का कोई मार्कर से संबंध है क्या। अभी जैसे आप लोगों ने देखा लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये पेन मार्कर, सॉरी ये मार्कर जो है वो नहीं बना, ये मार्कर नहीं बना, अगर मार्कर नहीं बना तो कंपनी को क्या मटेरियल खरीदने की रिक्वायरमेंट थी, नहीं, क्या लेबर को पे करने की रिक्वायरमेंट थी, नहीं, पर रेंट क्या कंपनी को पे करना पड़ रहा था, हाँ, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा था, हाँ, द आंसर इज यस, मतलब कि ये जो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका इस मेरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉस्ट कैसी हुई फिर, ये कॉस्ट हुई आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका मेरे मटेरियल से कोई संबंध नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जिसका संबंध पूरा का पूरा किससे है, मेरे मटेरियल से है, उसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉस्ट, दैट विल बी योर डायरेक्ट कॉस्ट। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दूं आपको, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और वो एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज आप लोगों का एक कैफे है, क्या है आप लोगों का, आप लोगों का एक कैफे है, आप कैफे में गए और आपने कैफे में कहा क्या जी, कैफे कैफे वाले भैया हमारे लिए आप एक सैंडविच ले आइए, उसने कहा ठीक है, आप हमारे लिए एक शेक ले आइए, उसने कहा ठीक है जी शेक भी आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या क्या मंगवाया है, एक तो आपने मंगवाया है सैंडविच, ठीक है, और एक आपने क्या मंगवाया है, एक आपने शेक मंगवाया है, ठीक है। अब आप कैफे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, क्लियर, आपने जो सैंडविच बनवाया है उसमें क्या लगने वाली है, ब्रेड। तो कैफे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि वो इस सैंडविच को बनाने में उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है, ब्रेड, क्योंकि सैंडविच जो है वो किससे बनेगी, उसके मेन जो मटेरियल है उसमें लगने वाली है, चीज टोमेटोज पोटैटोज वो सब किसमें लगने वाले हैं आपके, इसमें लगने वाले हैं, सैंडविच में लगने वाले हैं। बात करें शेक की, तो शेक कैसे बनेगा, उसके लिए मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, चॉकलेट सिरप चाहिए, और ये बिस्किट्स वगैरह चाहिए। तो मतलब जो भी इसमें ये मिल्क है, जो भी इसकी शुगर है,
जो भी इसका चॉकलेट सिरप है, जो भी इसका ओरियो है, ये सब क्या है इसके, ये सब इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। ये क्या है इसकी डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू योर मेन प्रोडक्ट, टू योर प्रोडक्ट, ये सो नो इससे। पर क्या कैफे वाले के सिर्फ यही खर्चे हैं क्या? हाँ या ना, कैफे वाले के सिर्फ यही खर्चे हैं? नहीं, कैफे वाले के और भी खर्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उस बेचारे का, उसको रेंट पे करने पड़ रहे हैं, उसको ढेर सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, यस और नो? अरे हाँ या ना। तो वो कॉस्ट क्या उसका कोई सैंडविच से है क्या? क्या उसका संबंध कुछ सैंडविच से है? आपने सैंडविच बनाया है तो मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, वो खर्चे कैसे हैं? वो इनडायरेक्ट हैं। वो खर्चे कैसे हैं? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके। उस तो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, उसको हमने ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, खर्चे या कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आई थिंक आपको ये दो चीज क्लियर हो गई है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अब हम कंटिन्यू करेंगे किससे, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका नया टॉपिक। ओके जी, थैंक यू।